कहाँ पे थे हम, इंटरनल और एक्सटर्नल एनल सूचर की बात हो रही थी, ठीक है। ये इंटरनल लाइट, ये इंटरनल एनल केनाल के बिल्कुल एडजस्टेंट जो आपको लाइट कलर में मसल नजर आ रहे हैं ना, वो इंटरनल एनल सूचर है। टाइम थोड़ा होता है ना, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको कुछ टिप्स जो है ना वो होनी चाहिए कैसे याद रखें। ये एक्सटर्नल एनल सूचर है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़, ये पहले लेक्चरर्स इसको पेरिनियल बॉडी पिछले साल तक मतलब यही उन्होंने इसको लेबल करते रहे, लेकिन ये अभी मैंने कहा इसको पेरिनियल बॉडी, इसको स्पॉट को नहीं लगाना, ये पेरिनियल बॉडी हरगिज नहीं हो सकती, बिकॉज पेरिनियल बॉडी जो है दैट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर मैस विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो ये इतनी बड़ी पेरिनियल बॉडी नहीं हो सकती, तो हो सकता है सीनियर्स आपसे कहें कि ये पेरिनियल बॉडी नहीं है। होपफुली मैंने कह दिया इस स्पॉट को नहीं इंक्लूड करना, ठीक है। लेकिन ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ सबसे पहले, ये रेक्टोवेजाइनल सेप्टम हो सकता है, या ये वैसे सिंपल जो है ये फेशिया जो है उसकी मतलब टेक्निक बनाई हो सकती है, लेकिन इसको पेरिनियल बॉडी एटलीस्ट नहीं करना। ये इसी की बात कर रही हूँ ना, इसको पहले पेरिनियल बॉडी लास्ट ईयर तक लेबल किया जाता था, तो वो मैं इसीलिए कह रही हूँ हो सकता है सीनियर्स आपसे कहें, क्योंकि जैसे आप पिक्चर ले लेते हो मॉडल की कि ये पेरिनियल बॉडी है लेकिन ये पेरिनियल बॉडी नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसको आपने नहीं कहना। अच्छा, अब इसी के साथ अब मैं इसमें से आप ये देखें कि मैं ये ऑर्गन्स जो हैं रिमूव कर रही हूँ, और अब इनका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है, और ये आपको नज़र आ रहा है ये यूट्रस के साथ ये फैलोपियन ट्यूब हैं, ये ओवरीज हैं, और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना दैट इज़ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, सॉरी ब्रॉड लिगामेंट नहीं, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, ये यूट्राइन आर्टरी है, ये यूट्राइन वेन है, ठीक है, और ये ग्रीन कलर में जो है ये यूरिटर है। यूरिटर को तो आप उसके कलर से याद रख लो ना कि ग्रीन कलर वाला यूरिटर है, ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल पेल्विस दोनों में ग्रीन कलर में यूरिटर है, ठीक है। अच्छा, और बाकी तो आपको ये पता ही है, ये जो उन्हीं का रेक्टम का और ब्लैडर का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, जो इसमें जरा हॉट स्पॉट्स हैं वो यही हैं कि आपको ये जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेन, कभी कभार ऐसा होता है कि ओवरी पे भी लगा दे, ठीक है। चाहिए हो गया, और इसी तरह से अब हम इसको भी साथ साथ वो करते रहते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्यूबिक सिंथेसिस है, ठीक है, और उसके बाद ये यूरोजेनिटल डायफ्रेम है, ठीक है, यूरोजेनिटल डायफ्रेम है, ये प्रोस्टेट है, ये ब्लैडर है, ठीक है, और ये उसी तरह से रेक्टम, एनल केनाल, पेक्टिनेट लाइन, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। अब इनको भी हम रिमूव कर देते हैं। इनके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सेमिनल वेसिकल है, ये रस्ट कलर में सेमिनल वेसिकल है, और ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ना ये क्रीम से कलर में ये डक्टस है, ठीक है, और ग्रीन कलर वाला जो है वो मेन यूरिटर है, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ से अब इसमें हम ये करते हैं कि वेसल्स को हम एक साथ करते हैं, उससे पहले हम मसल्स कंप्लीट कर लेते हैं। जो मसल आपको ये नज़र आ रहा है प्यूबिक सिंफिसिस से आप अबव ये जो देख रहे हैं कट एंड, ये एक्चुअली अब यहाँ से देखें तो आपको इसकी सही ओरिएंटेशन होगी। कौन सा मसल हो सकता है ये? रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस के बाद ये आपको नज़र आ रहे हैं एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस, और फिर उसके बाद ये देखिए ये सारा क्या है, इलियकस है, इलियकस है, और ये सोर्स। अच्छा, ये आप याद रखिएगा इलियकस को जो नर्व क्रॉस करती है दैट इज लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस, ठीक है, इलियकस के ऊपर जो नर्व होगी दैट इज लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, और सोर्स के ऊपर तो बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं अभी हम करते हैं, ठीक है, सोर्स के रेफरेंस से। ये सोर्स है और ये फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा की ये बॉडी भी है, और आपको इसका स्पाइन भी नजर आ रहा है, और इसके जो स्पाइन के एडजस्टमेंट जो आपको ये नजर आ रहा है ये मसल इरेक्टर स्पाइन, ठीक है, ये वाला तो वही इलेकस मसल, ठीक है, और ये क्वाड्रेटस लंबोरम है। ये अब आप देखें ना आइलिक क्रेस्ट है, तो आइलिक क्रेस्ट के आपको याद है ना हम वेंट्रल और डॉर्सल सेगमेंट करते थे, तो ये डॉर्सल सेगमेंट की एक्चुअली अटैचमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब बोन्स को भी इसी के साथ ही कर लेते हैं, यानी स्पॉट अगर इस पे लगेगा तो आप इसको L5 लिखेंगे, ठीक है, और ये डिस्क है बिटवीन L5 एंड S1, और ये वाला जो पॉइंट है ये सेक्रल प्रोमोटर, ठीक है, और ये जो आपको पूरी बोन नजर आ रही है ये क्या है, सेक्रम है, सेक्रम के अंदर जो सेक्रल केनाल है उस सेक्रल केनाल के अंदर जो है ये स्पाइनल मेनिंजीज होती है, लेकिन आप इसको कॉर्डा इक्विना भी लिख दें, स्पाइनल मेनिंजीज भी लिख दें, जो भी दोनों, ठीक है, ये हो गया।
इसको ही इस मॉडल पे भी साथ ही कर लेते हैं। ये रेक्टस एब्डोमिनस एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और ये क्या है व्हाइट कलर का, कौन सा फेशिया, ट्रांसवर्सलिस फेशिया, ठीक है, ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया है। फिर ये देखिए ये सॉस मेजर है, इरेक्टर स्पाइनी है, ये जो इलियाकिस है, ये क्वाड्रेटस लंबर, और अगेन ये L5 है, और ये सेक्रम है, और ये क्वाड्रेटस,